टीम इंडिया की आन बान शान, टीम इंडिया की आन बान शान, फेंकी एक तेज गेंद और महारथी बन गए उमरान। हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू स्पोर्ट्स नेस्ट, मैं हूं आपके साथ श्रद्धा पांडे। कल देखिए हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी में हमें नेल बाइटिंग मुकाबला देखने को मिला। टीम इंडिया ने कल श्रीलंका को मात्र 2 रन से हरा दिया। मतलब कल इतना रोमांच भरा मुकाबला में देखने को मिला, कभी ऐसा लग रहा था कि भैया जो नाव है वो कभी जो है श्रीलंका की तरफ जा रही थी, कभी नाव जो है भारत की तरफ जा रही थी, यानी डगमगा रहा था लास्ट तक ये मुकाबला। ऐसे लग रहा था कि कौन जीतेगा। श्रीलंका के बहुत ज्यादा चांसेस नजर आ रहे थे कि भैया शायद श्रीलंका जीत जाए इस मुकाबले को, क्योंकि आप जानते हैं कल बैटर्स की जो भूमिका रही बहुत ही खराब भूमिका रही। बैटर्स ने तो हमारी लुटिया ऑलमोस्ट डुबो ही दी थी, लेकिन वो तो अच्छा हुआ हमारी गेंदबाजी थोड़ी सी कल मजबूत निकली। और शिवम मावी, क्या बात करें, एक्सेप्शनल प्लेयर है शिवम मावी। लेकिन फिलहाल शिवम मावी की बात नहीं करेंगे, इस वीडियो में बात करेंगे उमरान मलिक, स्पीड के जादूगर स्पीडस्टर उमरान मलिक की, जिन्होंने कल सबसे तेज रफ्तार की गेंद फेंकी है। वो उनके लिए भी सबसे तेज है और टीम इंडिया की तरफ से भी सबसे तेज उन्होंने रफ्तार की गेंद फेंकी है। साथ ही साथ जसप्रीत बुमराह, यानी जसी जैसा कोई नहीं, जसप्रीत बुमराह को भी पीछे छोड़ दिया और बहुत खूबसूरती से उन्होंने गेंद डाली है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, सारी चीजें आपको बताने से पहले, वो रिकॉर्ड जान लेते हैं जिस रिकॉर्ड में जसप्रीत बुमराह को भी उन्होंने पीछे कर दिया है, बुमराह को पीछे छोड़ा। देखिए कल उमरान मलिक ने 155 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गेंद फेंकी और श्रीलंका के कैप्टन को धराशाही कर दिया, और वो विकेट बहुत ही ज्यादा अहम था। और हम आपको जो बोल रहे थे बुमराह को पीछे छोड़ा, तो भैया बुमराह ने एक मैच में 153.36 की रफ्तार से गेंद फेंकी थी, स्पीड से गेंद फेंकी थी। और कल जो है बुमराह का ये रिकॉर्ड, स्पीडस्टर वाला जो रिकॉर्ड है, वो भी हमारे उमरान मलिक ने चकनाचूर कर दिया। और जिस तरीके से उन्होंने किसको, दशुन शनाका को जो है आउट करा था, श्रीलंका के जो कैप्टन है उनको आउट करा था, उस टाइम पे बड़ा क्रूशियल वो टाइम चल रहा था, क्योंकि आप जानते हैं अगर श्रीलंका के कप्तान साहब उस मैच में, मतलब उस मैदान में टिक जाते तो शायद जो मैच है वो श्रीलंका की झोली में चला जाता। कल हमें बहुत खूबसूरती से उमरान मलिक की बॉलिंग देखने को मिली, स्लोअर्स उन्होंने डाली, यॉर्कर्स उन्होंने डाली, बड़े खूबसूरती से उनकी बॉल लहरा रही थी कल। और आप जानते हैं वानखेड़े में ड्यू फैक्टर बहुत ज्यादा रहता है, यानी आपको ओस की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन उस सिचुएशन में भी उमरान मलिक ने बहुत अच्छे से संभाला है। और जीत के हकदार, टीम इंडिया की जीत के हकदार एक उमरान मलिक भी रहे हैं। स्लोअर्स कल हमें उनके उनके हाथ से देखने को मिली, काफी अच्छा मैच्योरिटी के साथ वो खेलना उन्होंने शुरू कर दिया, क्योंकि आपको याद होगा जब आयरलैंड के खिलाफ उनका T20 इंटरनेशनल डेब्यू हुआ था उस टाइम पे बहुत इमैच्योर नजर आ रहे थे। होता ना, डेस्परेट होता है इंसान विकेट लेने के लिए, बहुत इमैच्योरिटी नजर आ रही थी। लेकिन कल जिस तरीके से उमरान ने चकनाचूर करा है श्रीलंका का घमंड, मजा, वो मैच देख के मजा आ गया। और साथ ही साथ उमरान मलिक का जो ग्राफ है तेजी से ऊपर जा रहा है वो देखकर भी मजा आ गया। अब कमेंट्स के जरिए आप जरूर बताइए कि भैया आपको उमरान मलिक का कल प्रोग्रेस कैसी लगी, उनका उनकी गेंद आपको कैसे लगी, कल 2 विकेट इन्होंने चटकाए और 2 बड़े अहम विकेट इन्होंने चटकाए, वो आपको कैसा लगा। साथ ही साथ हमेशा की तरह अगर आपको ये वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को अपना प्यार दे दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और स्पोर्ट्स नेस्ट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है आपने, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर दीजिए।